खबर जशपुर से है। जहां न्यायालय के आदेशों के बाद सुरेंद्र चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि बीते 2 माह पूर्व सरीना नाम की महिला ने आरोप लगाया था सुरेंद्र चौहान ने उसकी बेटी की आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने के एवज में 1.5 लाख रूपये लिए थे। 2 वर्ष बीते जाने के बाद भी न ही नौकरी लगी और न ही पैसे वापस दिए गए, जिसके चलते महिला ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेशों के बाद सुरेंद्र चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं SSI अनिल जोशी ने बताया मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय का आदेश आया हुआ है, एक सरीन नाम की महिला है, उसके द्वारा एक सुरेंद्र चौहान जो भारतीय रक्षा सेना मीडिया सलाहकार है उसके द्वारा नौकरी लगाने के एवज में 1.5 लाख रूपये लिए गए थे। इस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी जांच चल रही, जांच के बाद जो तथ्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।